हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ भाई ओनरशिप रिव्यू टाटा हैरियर का। भाई गाड़ी जो है ये ब्लैक कलर में, मतलब जैसे आप हैरियर की देखोगे ना, जो भी भाई बंदा हैरियर को परचेज करता है, ज़्यादातर लोग है ना इस गाड़ी को ब्लैक कलर के साथ ही परचेज करते हैं। ब्लैक कलर में भाई जो गाड़ी की लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो भाई एक साल हो गया है करीबन गाड़ी को, ओनर से पूछ लेंगे कितना टाइम हो गया गाड़ी को लिए हुए और उनकी कैसी क्या लगती है भाई ये गाड़ी। तो भाई बता दे भाई गाड़ी के बारे में कुछ। भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है। आज इस साइड आ जा। ये बता भाई कब ली थी तूने गाड़ी? है भाई यार नवंबर में ली थी पिछली साल। एक साल हो गया? हाँ एक साल हो गया। और कितनी चला दी ये? 18,000 कुछ चला दी है सीधा। ये हैरियर लेने का प्लान बना था या कोई और भी देखी थी गाड़ी? पहली हमारी करेटा लेने की बात थी, फिर करेटा पसंद ना आई तो फिर हैरियर ले ली थी। तो करेटा यार फिर सस्ती आती इससे? करेटा सस्ती है पर फिर दिल आई भी आ गया था हैरियर पे। याता है भाई बढ़िया सी लग रही थी इसलिए। और कलर की क्या मन में? ब्लैक लेने कलर ब्लैक ही लेना तो है ना इस हैरियर में भाई। ये ब्लैक कलर बहुत ज्यादा जमता है। और ये मन में ही भाई तेरा इसकी स्कॉर्पियो ले? ना ना स्कॉर्पियो ना लगे। क्यों? स्कॉर्पियो झोला से मार रहा है ऐसे कंफर्ट भी ना बैठ के देखो। कंफर्ट तो नहीं भाई स्कॉर्पियो, बस यूं है स्कॉर्पियो देखने में तो बहुत बढ़िया है। नीचे तक खोलने का भी पिंडी दो रहा है क्योंकि खोलने का थोड़ा सा। और एवरेज वगैरह क्या दे रही गाड़ी है? भाई एवरेज दे रही है 11.6 की अगर नॉर्मल चलाए तो। सिटी में हाईवे पे? सिटी में और हाईवे पे? हाईवे पे दे देगी कम से कम आराम से 13 तक की दे दे। कहीं लंबा लग गए गाड़ी को? हाँ लंबा आगरा तक लग गया ये तक। तो टॉप स्पीड कितनी दे रही है? अगर तो ये चला तो ही तो होएगी तो ना, तो पक्का चला ही होएगी। ऐसे तो ही ना सके ना चला ही हो। टॉप स्पीड भाई मैंने 180 कुछ चढ़ा रखी अभी तक। बढ़िया चला बिल्कुल, बिल्कुल आराम चढ़ेगी स्मूथ। हाँ अगर आप स्पोर्ट्स मोड लगा दोगा तो या थोड़ी सी और ऊपर चली जाएगी बिल्कुल स्मूथ में। अच्छा ये बता जो इसमें मोड दे रखा है स्पोर्ट्स मोड है और कौन सा मोड है? एक और एक इकोनॉमिक मोड है। फर्क है दोनों में? जैसे इको में कभी सिंपल सी चला है, मतलब पावर में फर्क आवे? पावर में फर्क आ जाएगा। स्पोर्ट्स में एकदम तो टर्बो ऑन होती गैल, आवाज सी भी करेगी और स्पीड में भी आ जाएगी, मतलब फर्क लगा स्पोर्ट्स मोड में आराम से। एवरेज भी कमाती है फिर तो? एवरेज कमाओगे फिर स्पोर्ट्स एवरेज तो भूल जाओ, स्पोर्ट्स मोड लगा दे तो भूल जाओ। और इस गाड़ी की सर्विस 15,000 रुपए होती है टाटा की? भाई पहली सर्विस तो सस्ती हुई थी, अब जो चौथी सर्विस कराए वो पहली कौन सी मतलब जो फ्री वाली सर्विस है तो फ्री की है। तीसरी सर्विस कितने पे होती है? वह तो शायद 15 कुछ की हुई थी। किलोमीटर पता कितने किलोमीटर पे होती है? किलोमीटर पता अंदाजा मैंने। अच्छा 15,000? हाँ 15,000 पे होती थी शायद, इतनी की हुई थी। पर जो मैं अब करवा का आया था ना उसने लिया था मेरे कहना था 22,000 कुछ के करो 22,000 में। उसमें एयर फिल्टर चेंज करा था, इंजन का फिल्टर उल्टर की भी चेंज करा था, पता नहीं कितना। अच्छा वो जो मेजर सर्विस रह रहा हाँ, वाली पूरी कर। कितने किलोमीटर करवाई थी? वह करवाई थी शायद 8 ऐसा कुछ पे करवाई होगी कि तो 8 या 10 पे इन दोनों वाले। अच्छा ये ना वह करवाई थी 17 पे। 17,000 पे? हाँ मैं जब ही कहूँगा 8-10 पे ना टाटा की सर्विस करवाई थी। अच्छा 22,000 रुपए लगे। हाँ अब की बार कह रहा था सस्ती सर्विस होगी 3,000 की। वाह उसमें कुछ चेंज ना करें। हाँ। माइनर सर्विस रहे, तेल चेंज करेगा। ये भी हम तेल चेंज, अरे तेल महंगा होगा 3,000 से तो। हाँ वो मतलब अप्रोक्स बता दी ना वो चीज़। इसमें एक वो डलेगा डेफ फ्यूल डलेगा। अच्छा डीएफ को टैंक, वो डीएफ को वो ऐसे कहीं हुए आपको पास जैसे वो जो वो लगा डीएफ को है टैंक वो खत्म हो गया कभी यूरिया? हाँ इसमें आप दो डंडा आ रहा है अभी घर डालने का भी। अच्छा ये भी रेड करवा रखे हैं फिर इन तो वारंटी बोर्ड खोलेगा है? खोलेगा वारंटी बोर्ड ना होगा ना वारंटी कुछ नहीं। अच्छा भारी दे रखा है भाई, एक हाथ से फोन पकड़ के खुलता भी नहीं है ये भाई। ये और बता जैसे तूने ये करवा रखे भाई ये रेड करवा रखे, अगला जो डिस्क ब्रेक वो भी रेड करवा रखा है, वो इससे वारंटी बोर्ड नहीं होती ना कुछ ना? वो इस तरह पूछी थी टाटा में, पूछी तो ना है पर अभी तक तो उसने उनने कुछ बताया भी ना है। अच्छा इस बारे में कुछ भी ना बताई? जिक्र भी ना। ब्लैक कलर ले तो लिया पर ऐसा ना लगे कि इसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा रखना? मेंटेनेंस तो है गो ज्यादा ही है, वाइट में कम है पर ब्लैक में तो बहुत ज्यादा है। डेली धुआनी पड़े, अगर गंदी होगी तो बढ़िया ना लगेगी। कोटिंग जरूरी है मेरा में। अभी करवा रखे इस पे कोटिंग? कोटिंग नहीं करवाई भाई। तो भाई देखो ब्लैक कलर का ये जरूर रहता है, दिख रहा है वीडियो में, मतलब स्क्रैचेस आराम से दिख जाती है और थोड़ा सा
डलनेस सी भी आ जाती है कलर में, सही बोल रहे हो भाई। और ये और बता भाई, ये ब्लैक कलर के करवार खेसी से इस पे कभी रोका इधर को? ना, इस पे तो ना रोका, आज लग ना रोका, ये शीशा पे भी चढ़ रही है फिल्म, इन पे भी ना रोकूंगा। अच्छा, शीशे पे चढ़ रही है फिल्म? कितने दिन हो गए चढ़वाई का? ना 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 ना, यहाँ चढ़वाई थी जब हम गाड़ी लेके आए थे, एक हफ्ता बाद। अच्छा, कभी नहीं रोके अभी तक तो रुका ना भाई। और गाड़ी में कुछ एसेसरीज लगवा रखी है? भारत है, एक चीज लगवा रखी है, ये डोर स्टेप बैरियर वाला जो लिख रहा है। अच्छा, ये लगवा रखे हैं, ये बाहर से लगवाए थे? ये लाइट लगवा रखी है एमिनेंट बस। अच्छा, ये भी लगवा रखी है। इनका ये बताइए, कनेक्शन होता है कहीं? हाँ, कनेक्शन है। अच्छा, कितने क्या लगवाई थी ये? शायद 2500 ऐसे कुछ की लगवाई थी। सारी गाड़ी में लग रही है आगे पीछे? वो वाला सिस्टम है, फोन पर लाइट कलर चेंज करते हैं ना, ये वाला सिस्टम। पर इसमें जैसे इंजन की ऐसी ना लगे, फील ना आवे कितने 18,000 चला दी कि, या थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा करने लग गई हो या कुछ? ना ना ना, ऐसा कुछ ना, अभी तक तो आई ना। टाटा की मैं ऐसी महसूस होती हो? अभी तक तो देखो आई ना है, आ गया तो पता ना। और कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो वैसे वो है स्टीरियो वाला, स्टीरियो के प्रॉब्लम चले। एक बार बताइए भाई, ये बता, इसकी सर्विस करवाई थी टाटा से, तो जैसे लोग बात कह भाई टाटा का जो सर्विस स्टेशन है बढ़िया ना है, लोग बाग ऐसे देसी बैठा रखे हैं, मतलब ओवरऑल जैसे कहने में बेकार है सर्विस स्टेशन। ना ना भाई, आफ्टर सेल सर्विस जो है, शायद नंबर आर्यवाड़ा कौन सा है पता नहीं मतलब ऐसे ही बता दे, तुमने अपनी जहाँ भी करवाई सर्विस। हाँ, वही को नाम भूल गो यार मैं, है तो उनको ही नंबर कौन सा है को, मतलब कौन सा समस्या आई के तू खुश करके भेजो? ना ना, वैसे सब ठीक है, उसमें कोई भी बैठना है, मतलब गांव गूंग का कोई नहीं, सब अच्छे तरीके में हमारे सब। कितनी देर में कर दी सर्विस गाड़ी की? मैं सुबह देके जाऊं, वे मेरे तो भाई कम से कम 2-3 या 4 घंटे दे दो। अच्छा, लगते हैं इतने टाइम, मतलब एक ही दिन में दे दो वापस। वहाँ सामने खड़े होकर करवाई थी या फिर भेज देते हैं? ना ना, अगर वहाँ बैठना चाहो तो वहाँ बैठ जाओ, और जाना चाहो तो जा सको। अच्छा, ये चीज है। बाकी चलाने में कोई कमी पेशी लग रही है भाई तेरे को? चलाने में भाई अभी तक तो लगी ना है, अभी तक तो बढ़िया से चल रही है, बढ़िया चल रही है। अच्छा, ये और बता, प्रॉब्लम क्या बता रहे थे इसके म्यूजिक सिस्टम में? भाई म्यूजिक सिस्टम हैंग हो जावे इसको बार बार, मतलब अगर ज्यादा लंबा टूर पे जाएंगे ना तो इसका म्यूजिक सिस्टम हैंग हो जाएगा, मतलब ज्यादा लंबी चला दी तो गाड़ी फिर अपना आप ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी गाड़ी में है सिर्फ दिक्कत या कहीं और की मारी है? शायद एक दोस्त और लेकर उसकी में भी है, दिखाई ना कर। तो भाई इस गाड़ी के रेट बढ़ गए और डिमांड भी बढ़ रही है अच्छी ज्यादा। और कम्फर्ट कैसे लगता है भाई आगे? भाई आगे कम्फर्ट ठीक है, मतलब बैठने बैठने में सब कुछ फील बढ़िया आती है। और स्टीयरिंग व्हील का जैसे कहते हैं भाई, स्टीयरिंग व्हील थोड़ा हैवी है, लगता है? अगर जब 80 के ऊपर जाएगी गाड़ी तब नहीं लगेगा हैवी है। अच्छा, बहुत ढीला हो जाएगा वैसे, मतलब जैसे कहीं भीड़ भाड़ में चला रहे हैं तो हैवी से लगता है स्टीयरिंग व्हील? नहीं, इतना हैवी नहीं लगता, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर या ऐसा कुछ है। अच्छा, और जैसे इसको कहते हैं भाई सेकंड गियर में जो है गाड़ी बंद हो जाती है, वो प्रॉब्लम लगी? मतलब सेकंड गियर बंद ही हो जाएगी? और ये और बता भाई, जैसे सबसे मेजर प्रॉब्लम है इसकी यहाँ पे ये वाली चीज, ये पैर में टच होता है? पैर का टच होती है, दुखी करती है चीज? हाँ, कभी कभी कर देती है, पर अधिकतर जैसे पैर तो टच होगा ही होगा इसमें। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है ये इम्प्रूव होना था। और इसकी स्क्रीन जैसे छोटी दे रखी है ये इतनी सी, जैसे XT Plus वेरिएंट 27 इंच की आती है, फुल है उसमें शायद, और टॉप में फुल है। तो इसमें कुछ कमी पैसी लगी? नहीं, तो कुछ कहना चाहोगे टाटा वाले से कि भाई ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए अपनी तरफ से? मान भाई, एक तो स्टीरियो इंप्रूव कर देना चाहिए इन्होंने। अच्छा, जो हैंग का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक गियर वाली प्रॉब्लम, मतलब मान ही लो अगर नहीं उठ रही तो यही प्रॉब्लम है। अच्छा, और स्टीयरिंग व्हील का? स्टीयरिंग व्हील सही है, मतलब उस कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही? और वो पैरेट है उस पे? उसका है, वो भी करना चाहिए, फुल करना चाहिए। और बाकी ऑलमोस्ट बस सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या लगेगी या गाड़ी भाई? या बेस्ट चीज है उन्हें या गाड़ी नू है कि भाई? मैंने पहली चीज तो लुक वाइज बढ़िया लग रही थी। लुक में तो भाई जबरदस्त है, गुंडा वाली का
अगर देसी बताऊं तो गुंडे वाली कार है, धाकड़ सी लुक है कि ऐसी है। मतलब अगर हो ना, अगर किसी ने फाइव सीटर में चाहिए और भाई यो बजट है तो आज भी बिना सोचे समझे पे जाओ। ये एक्रेटा की और इनकी मार्केट में बहुत फर्क तो करा है इस चीज ने। और गाड़ी का इनिशियल टिकी है आज तक? भाई अभी तक ना टिकी है गाड़ी, मैंने डिवाइडर पे चढ़ा के देख चुके हैं। पीछे कैसे के लगे भाई, कंफर्ट पीछे बैठे कभी? पीछे बैठा हूँ भाई, फुल स्पेस है पीछे भाई, आराम से कंफर्ट है पीछे, तीन जन आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है पीछे बैठने में, आराम से बैठ सकते हैं। और बता भाई, गाड़ी का जो इंजन है, इंजन नॉइस लगती है अंदर बैठने के बाद? हाँ हल्की बड़की लगती है, ज्यादा नहीं लगती, ज्यादा नहीं आएगी पर हल्की हल्की तो आएगी। मतलब गाड़ी का देखा जाए इंजन भाई 2 लीटर का है तो इतनी तो आवाज है गाड़ी के अंदर। हाँ। भाई ये एक सलाह दे, जैसे कोई खरीदना चाहता है गाड़ी हैरियर, सीधा भाई मैं हैरियर ही खरीदना चाहता है, तो क्या भाई तू सलाह देगा गाड़ी खरीदने की? हाँ मैं तो कहूंगा ले लो, अच्छी गाड़ी है, मतलब इस बजट में जैसे देखा जाए सही है ये गाड़ी, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है।, है। बाकी मैंने ना ये चला रखी है गाड़ी, तो जो गियर वाली प्रॉब्लम है वो तो इसके अंदर लगती है। भाई ये बताओ आपको इसका बूट स्पेस कैसा लगा? भाई ठीक है, बूट स्पेस अच्छा बड़ा दे रखा है। हाँ, अच्छा सामान आ जाता है। अच्छा एक चीज और बता यार, जैसे वैसे देखने में जो गाड़ी की जैसे फिट फिनिश है बढ़िया है, इंटीरियर में तो आपने कैसी लगी इस गाड़ी की जो फिट एंड फिनिश है? ठीक ठाक ही है मान के चलो। जिस कहीं दिखाओगे जहाँ आपने लग रही है भाई बेकार सी है थोड़ी सी चीज़ यार, बेकार ठीक ठाक सी है, जैसे अब जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें इंटीरियर अलग अलग आ रहा है। अच्छा उनके मुकाबले तो थोड़ा सा कम ही है। अच्छा वो थोड़ी सी है लाइक क्रेटा, क्रेटा होगी, सेल्टोस होगी, उनमें फिट एंड फिनिश थोड़ी सी तगड़ी है, इसमें मुकाबले में थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा कम है। इनमें गाड़ी में लोहा पूरा लगा रखा है, फिट एंड फिनिश पर ध्यान थोड़ा सा कम दिया है टाटा वाला की हर गाड़ी में, या इस में ना इस सब में। अच्छा गाड़ी कहीं भाई भीड़ी भी आपकी? भाई यार भीड़ रखी है एक कहां पे? लाइट नीचे देख लो। अच्छा ये और बिना कैमरा बताऊंगा। बस यही है अभी तक तो भाई, मेरे तो आई भीड़ी है। चलो ठीक है भाई, मतलब जैसे एक ये नहीं लगता आपको जैसे इतना बड़ा साइज चला रहे भाई तू गाड़ी का? हां तो मतलब मतलब अगर स्पीड में चल रहा हो आप कटिंग भी ना होगी आप हाईवे पे, नू लगे कि हाँ इतनी बड़ी सी गाड़ी कहाँ तक काटूंगा। और गांव वगैरह हम लेके जाते हो तो गांव में तो चल जाए थोड़ी बहुत, पर हाथ जो अगर पापा है मेरा उन तो ना चलेगी गांव में, डर है वे। अच्छा लगती है मतलब थोड़ी भारीपन से है गाड़ी में। भाई आपको ये गाड़ी की लाइट कैसी लगी? और भाई लाइट ठीक है इसमें, मतलब इसमें तो येलो वाली लाइट है पर वाइट लाइट अच्छी लगी इसमें। अच्छा हाँ। जैसे आप नाइट में जाते हो गाड़ी को लेके हाँ। तो आपको लगता है भाई लाइट बढ़िया है नहीं है? हाँ नाइट में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्रो सही है। हाँ थ्रो बिल्कुल पूरा सही है। तो गाइस जैसा कि भाई भाई ने बताया जो प्रॉब्लम बताई है ना गाड़ी में मेन वो भाई ने बताई है, वही जो मतलब जो आज जेन्युइन है ना प्रॉब्लम वही बताई है। एक तो ये वाली प्रॉब्लम है जो पैर में अटता है, गियर सेकंड गियर वाली, और स्टीयरिंग व्हील का भाई इतना कुछ लगी नहीं भाई को दिक्कत। बाकी यार जैसे थोड़ा हैवी स्टीयरिंग व्हील रहेगा ना तो एक थोड़ी सी दमदार वाली सी फीलिंग आती है गाड़ी में कि भाई अच्छा रोड पे चिपके से चल रही है, तो भाई स्टीयरिंग व्हील की जितने कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये जो दो दिक्कत है ना वो मेन है गाड़ी में। और एवरेज भाई वही बताइए भाई ने 11 की एवरेज देती है गाड़ी। बाकी ब्लैक कलर में जो गाड़ी है ना भाई एक नंबर की जमती है ये। तो गाइस ये था एक ओनरशिप रिव्यू टाटा हैरियर के ऊपर, होप करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी गाइज अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो नीचे मैंने जो है अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है या फिर सोशल मीडिया की लिंक्स है वहाँ से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।